पर आप ट्रेडमिल पे एक घंटा चलोगे आपको उतनी कैलोरी बर्न नहीं होगी, एक घंटा कर भी नहीं पाएगा, कर ही नहीं सकते, इट्स बोरिंग, इट्स बोरिंग। आप रिलेशनशिप होता है तो आप कुछ ना कुछ भेजते रहते हो ना एक दूसरे को, तो हमारा चलता रहता था कि हम कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते थे उसके आते थे घर पे, तो एड्रेस होता है उसपे, मम्मा ने वही ढूंढ लिया। क्योंकि हर कोई बता रहा है ये खाना है वो खाना है ऐसा खाना है वैसा खाना है, क्यों पहले जब लोग खाते थे वो फिट ही रहते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो जुम्बा में इंटरेस्ट रखते हैं। जुम्बा से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। आज हमारे साथ हैं शबीना कुंडियाल, वन ऑफ द इंडियाज टॉप यंग डांसर्स एंड ट्रेल ब्लेजर्स इन द वर्ल्ड ऑफ जुम्बा। विद ओवर 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ जुम्बा फिटनेस इंस्ट्रक्टर, शबीना हैज़ कंडक्टेड क्लासेस नेशनली एंड इंटरनेशनली। She has showcased her talent on TV platforms like Colors TV, Big Boss Season 16, Zoom TV, Pink Villa and many more. She has also made her mark internationally to present at World Bachata Festival in Malaysia in 2015. Welcome ma'am, welcome to our podcast. Thank you so much for having me over. So let's start with your journey. So yes. How did you first get into Zumba? So actually I'm a Shamak student, so मुझे हमेशा से dancing का बहुत शौक था। तो एक ऑफर आया था मुझे मलेशिया से, तब मैं 17 साल की होंगी, तो मैं वहाँ ना सिखाने गई थी बॉलीवुड डांस। तो एक इंडियन बॉलीवुड डांस सिखाए और एक फिरंग सिखाए तो बहुत फ़र्क होता है, सो उनको इंडियन चाहिए था बॉलीवुड सिखाने के लिए वहाँ। तो मैं वहाँ गई थी, मेरी क्लास के बाद ये जुम्बा क्लास होती थी, सो आई वाज लाइक ये क्या है, ये क्या होता है, पर जुम्बा जुम्बा सब ऐसे ही बोलते थे पहले, किसी को पता ही नहीं क्या है, मुझे कोई अफ्रीकन डांस है पता नहीं क्या है। बट जब वो क्लास हुई मैंने देखा और उसका म्यूजिक ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, सो आई वॉज कमिंग टू मुंबई बैक टू विजिट माई पेरेंट्स माई मॉम। सो मैंने मम्मी को बताया कि यार ऐसे जुम्बा जुम्बा करके कुछ है, मैंने ऐसे मेरी क्लास होती है और सब फिटनेस क्लास है, शायद समझ में नहीं आया क्या है। तो मम्मी ने बोला एक काम कर, आई है तो सर्टिफिकेशन देख लेते क्या होता है क्या नहीं होता। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, रैंडमली आई सर्च्ड, तो ट्रेनिंग हो रही थी इन द सेम वीकेंड, जो वीकेंड पे मैं आई थी वो ही वीकेंड पे ट्रेनिंग हो रही थी। तो मैंने रजिस्टर किया एंड देन जुम्बा हैपेंड, ऐसा हुआ एंड देन आई नेवर लुक बैक। आई वाज लाइक के नहीं, अब ये ही है जो मुझे करना है। मुझे हमेशा से ये था कि यार ठीक है बॉलीवुड है, सब लोग कर रहे हैं, यू नो सब लोग कर रहे हैं बॉलीवुड डांस, सब लोग कर रहे हैं, क्या मैं नया कर सकती हूँ। और मेनली जुम्बा का मुझे म्यूजिक ने बहुत अट्रैक्ट किया था, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स फिटनेस एंड ऑफ द डे, ऑफकोर्स डांस है बट फिटनेस भी है, सो दैट्स हाउ जुम्बा हैपेंड एंड फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया। सो सिर्फ एक जुम्बा का म्यूजिक नहीं आपको इंस्पायर किया, या इज देयर एनीथिंग एल्स के किसी ने आपको इंस्पायर किया उस चीज के लिए कि हाँ भाई जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनना है अभी? सो मुझे इंस्पायर डेफिनेटली म्यूजिक ने किया, दैट वॉज द मेन थिंग। सेकेंड वॉज के ये डांस के साथ साथ फिटनेस भी है, तो मेरी फिटनेस तो मेंटेन होगी होगी और बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स की भी फिटनेस यू नो कर सकती हूँ, सो दैट्स हाउ। और उसका जो जैसे है बॉलीवुड सब कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड सब कर रहे हैं, इसमें ना आप सारे रिदम्स होते हैं, जैसे हो गया सालसा हो गया, रिगतौन हो गया, कुंबिया हो गया, सारे एफ्रो हो गया, बेली डांसिंग हो गया, सारा कुछ आप वो एक घंटे की क्लास में तरीके से, यू ट्रैवलिंग द वर्ल्ड इन दैट वन आवर क्लास, तो सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। सो मुझे वो चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी थी। सो मैम अभी भी ना इंडिया में उतना जुम्बा उतना फेमस नहीं है, अभी भी चल रहा, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ जुम्बा के अंदर, लेकिन अभी भी लोग जिम प्रीफर करते हैं या फिर रनिंग प्रीफर करते हैं, दूसरा फिटनेस प्रीफर करते हैं। बट फॉर दोज माइट नॉट बी फेमिलियर विद जुम्बा, सो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन कि वॉट जुम्बा इज एग्जैक्टली एंड वॉट मेक्स इट यूनिक कम्पेयर टू अदर फिटनेस प्रोग्राम्स? ओके, सो जुम्बा फिटनेस इज अ डांस फिटनेस प्रोग्राम। सो इन अ वन आवर क्लास आप आराम से 400 से 500 कैलोरी बर्न कर सकते हो एक घंटे की क्लास। और जुम्बा क्लास में कोई ब्रेक नहीं होता, उसका एक रिदम होता है कि आप हाई लो हाई लो हाई लो मेंटेन होती है क्लास के, एक हाई सॉन्ग एक लो सॉन्ग, एक हाई सॉन्ग एक लो सॉन्ग, तो तरीके से वी गिव अ हार्ट अ शॉक कि एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, सो दैट ट्रेनिंग इज कॉल्ड इंटीमेटेड ट्रेनिंग। सो दैट ये फॉलो होता है जुम्बा में। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको डांस आना चाहिए या फिर आपको यू नो आप प्रो होने चाहिए डांस में या फिर आप
आपको यू नो आने चाहिए मूव्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. जुम्बा फिटनेस इज फॉर एवरीबॉडी बिकॉज इट इज नॉट अ डांस कॉम्पिटिशन, इट इज नॉट अ डांस क्लास. एंड ऑफ द डे इट इज अ फिटनेस क्लास. तो आप अगर दो लेफ्ट फीट भी हो ना, आपने कभी जिंदगी में डांस नहीं किया, आप क्लास आओ. एक क्लास की बात है, हर चीज के लिए पहला दिन होता है, समझ लो आपका पहला दिन है. आप आ रहे हो, आप कुछ भी करो नहीं फर्क पड़ता, नो बडी इज जजिंग यू बिकॉज कोई आपका कॉम्पिटिशन या नहीं चल रहा. आप एंड ऑफ द डे फिटनेस के लिए आ रहे हो, आप बेशक ऑफ बीट कर रहे हो डजेंट मैटर, बट आप मूव कर रहे हो, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है. सो दैट इज द मेन थिंग दैट यू नो आई से टू ऑल माई क्लाइंट्स की डजेंट मैटर आपको डांस नहीं आता, कोई बात नहीं, आप आओ करो. यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपका वो पेपर नहीं बना रहा कि इतने मार्क्स मिले हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज नॉट अ डांस इज अ फिटनेस क्लास. एंड ऑफ द डे आप मूव कर रहे हो, आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, बेस्ट चीज भाई. और एक घंटा नहीं पता लगता, बिल्कुल नहीं पता लगता क्लास में. मैं कभी कभी वॉच देखती हूँ, मैंने कहा यार एक घंटा हो गया, क्लाइंट्स बोले मैम एक घंटा हो गया, हाँ एक घंटा हो गया. सो आप स्टार्टिंग से ही डांसर बनना चाहते थे? हाँ, स्टार्टिंग से ही डांसर बनना. किस एज में आपने स्टार्ट किया डांसिंग? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड. ओके, सो आई जॉइंड शामक. उसके लिए भी तो किसी ने इंस्पायर किया होगा आपको? सो मेरे को हमेशा ना, मैं देखती रहती थी कि यू नो मुझे म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट करता, मैं गाने बहुत सुनती थी. तो मम्मी की क्या कर रही है ये, तू पढ़ाई नहीं करनी, वो एज में बच्चा म्यूजिक कर रहा है, ऑल ऑफ दैट. और स्कूल में जो भी एनुअल डे हो गया, ये हो गया, सबसे आगे मैं होती थी टू यू नो परफॉर्म. तो मुझे बहुत शौक था, और टीचर डांस टीचर की भी फेवरेट थी मैं, कि हाँ निश बिना ने यू नो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, ये है वो. तो मुझे शौक था ही. फैमिली अलाउ करती थी? हाँ, माई मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव, बट शी वॉज लाइक पढ़ाई करनी है, जो मैं नहीं थी. आई वॉज अ आउट स्टैंडिंग स्टूडेंट, मतलब हमेशा क्लास के बाहर खड़े कर देती थी मुझे टीचर, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं होता था पढ़ाई में. सो दैट्स हाउ आउट स्टैंडिंग आई वॉज. पर ऑलवेज आई यूज टू ऑलवेज लाइक डांसिंग, तो मेरा शौक. स्टार्ट किया फैमिली ने सपोर्ट करना आपको? मतलब बोलती थी मम्मा के पढ़ाई भी कर ले, ये भी कर ले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और यू नो ये ज्यादा लम, क्योंकि नहीं चलता लाइक पहले का. अगर आप बात करो तो इट वॉज नॉट, पीपल यूज टू नॉट सी दिस एज अ करियर. सो लाइक कि नहीं कर सकती तू ये, उन्हें मुझे यही करना है. पर देन धीरे धीरे मैं करती थी. फिर जब मम्मा को लगा कि मैंने बोल दिया मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैंने कहा मुझे डांस क्लास ज्वाइन करो ना, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी. आप डांस क्लास ज्वाइन कराओ फिर भी पढ़ाई भी करूँगी मैं. सो वैसे वो कंडीशन रखी हुई, मार भी खाई, मार खाते थे हम, मार भी खाई हूँ मम्मा से. ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाई कर ले, ये है वो है. फिर ऐसे मम्मा ने देखा कि चलो इसका शौक है, शौक ही तो पूरा करना चाह रही है. सो देन शी मेड मी जॉइन शाम. ओके, सो डू यू थिंक के अब डांसर ना बन पाए बट आप एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन गए, एक सक्सेसफुल जुम्बा इंस्ट्रक्टर? यस. सो इस चीज का कितना आपको बेनिफिट लगता है कि हाँ यार एक पछतावा नहीं है कि मैं डांसर नहीं बनी, मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन गई? नहीं, किसी चीज का भी I think एक्चुअल में किसी चीज का भी पछतावा नहीं है, बिकॉज आई थिंक हर चीज एक चीज को लेड करती है. राइट. जैसे मैंने डांसिंग सीखी एंड देन उसके थ्रू मैं मलेशिया गई. उसके बाद मुझे वहाँ जुम्बा क्लास देखी कि अच्छा ये जुम्बा होता है. मुझे इंडिया में तो पता ही नहीं था किसी को कि जुम्बा होता क्या है. एंड देन मैंने सर्टिफिकेशन किया एंड देन जुम्बा हैपन. सो आई थिंक इट लेड टू समथिंग, और मे बी दिस वॉज डेस्टिनी दैट इट, हाँ डेस्टिनी के यू नो कि मेरा यही होना था. एंड आई एम थॉरली लविंग इट, मतलब आई एम इंजॉइंग my profession and of course it's my passion which is dancing. मुझे dance भी करने मिल रहा है, मुझे fit भी रहने मिल रहा है at the very same time. So और क्या चाहिए life में? एक myth है मैम zumba को लेकर, please tell me is it right or not, कि zumba is a good hobby but not a good career. Not at all. Okay. ऐसा कुछ भी नहीं है. I have so many stories of instructors. In fact, my clients they have left the job and they are doing zumba because they are earning more. Okay, they left the job and doing. And also, the people are doing for more money. They are doing part-time job. कि 6 बजे तक ऑफिस के, तो शाम के 8 बजे की क्लास ले रहे हैं. There are stories which I have witnessed. मेरे खुद के students मेरी क्लास में जो आते हैं, उन्होंने certification कर लिया inspire होके, and then they are teaching. So is सिर्फ मेहनत के ऊपर होता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग कर लिया, आपको जुम्बा आ गया और आपने सिखा दिया और सबको पसंद भी आ गया. ऐसे नहीं होता. यू फॉर एवरीथिंग आपको काम करना पड़ता है. सो यू हैव टू वर्क. सो आप सर्टिफिकेशन के बाद कितना टाइम देना जरूरी है? आई थिंक अ मंथ फॉर श्योर ऑन योर सेल्फ. On yourself, you will have to give 1 month. वो training करने के बाद. एक पूरे time की अगर मैं बात करूँ, starting से आप अच्छा dance कर लेते हो. हाँ जी. कोई भी एक person है, कोई हमारे viewer हैं, कोई भी एक अच्छा dance कर लेता है, लेकिन उसको zumba instructor बन रहा, तो कितना time उसको लग सकता?
सी जुम्बा की जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है वो 2 दिन की होती है ट्रेनिंग, ओनली 2 डेज, ओनली 2 डेज, दैट्स कॉल्ड बेसिक वन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। ओके, ठीक है, वो 2 दिन की होती है, सुबह 8 बजे से शुरू होती है, शाम के 6 बजे तक ट्रेनिंग होती है। सो प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों दिन ऐसे ही रहता है। सो 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको बता दिया कि भाई जुम्बा ये है, उसमें ये इस तरीके से सिखाते हैं, ये रहे स्टेप्स। अब आप 2 दिन में कितना सीख लोगे? आपको ब्रीफ तो मिल जाएगा, बट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, रिमेम्बरिंग एवरी थिंग, कि वो 1 घंटे में आपको 15 गाने कर रहे हैं और कैसे करने हैं, किस में किस चीज़ का ध्यान रखना है। okay. अगर ये गाना है तो ये लेग्स पे फोकस हो रहा है, किस चीज़ पे फोकस हो रहा है, हर सॉन्ग की कोरियोग्राफी याद करना। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना अपने ऊपर काम करते हो। कोरियोग्राफी याद करनी मतलब खुद से कोरियोग्राफ करना होता है या फिर सिखाया जाता है? yes. बीच के हिसाब से करना, आपको रिदम सिखा दिया जाता है। okay. B1 ट्रेनिंग में, B1 ट्रेनिंग में आपको 4 रिदम सिखाई जाती है, विच इज मिरेंगे, सालसा, कुम्बिया एंड रेगेटॉन। ये 4 आपको सिखाई जाती है रिदम, उनके स्टेप सिखाए जाते हैं। अब हर स्टेप का मॉडिफिकेशन कैसे करना है, क्या करना है, इट्स अप टू यू। आपको बेसिक सिखा दिया ना, इट्स अप टू यू। ऑफ कोर्स अगर आप बात करो कोरियोग्राफी की, तो जुम्बा में देयर इज समथिंग कॉल्ड जिन मेंबरशिप, जिन मेंबरशिप, जुम्बा इंस्ट्रक्टर नेटवर्क। उसमें क्या होता है, आपकी मंथली मेंबरशिप कटती है, बट यू गेट रेडीमेड सॉन्ग्स एंड रेडीमेड कोरियोग्राफीज। यू गेट अ लॉट ऑफ मार्केटिंग मटीरियल्स जो आप अपने लिए प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हो। okay. बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको। जो जुम्बा इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपने नाम के आगे जिम यूज करते हैं, राइट? यस, दैट इज जो उन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। ओके, तो इसमें कुछ टेक्निकलिटी कुछ ऐसी भी सिखाई जाती है, लाइक जुम्बा हम किस लिए करा रहे हैं? फिटनेस के लिए। यस, लाइक किसी का बॉडी फैट, किसी का बॉडी वेट, सबका टाइप अलग है। यस यस यस, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिखाया जाता है कि किस तरह फैट बर्न करा सकते हो आप, किसको कितना फिट करा सकते हो, प्लीज उसके बारे में बताइए। हाँ जी, तो जुम्बा फिटनेस इट्स अ कार्डियो क्लास। ओके, आप ट्रेडमिल पे चल लो, आप क्लास कर लो, पर आप ट्रेडमिल पे 1 घंटा चलोगे आपको इतनी कैलोरी बर्न नहीं होगी, 1 घंटा कर भी नहीं पाएगा, कर ही नहीं सकते, इट्स बोरिंग। मैं जुम्बा भी क्यों बोलूं, कोई भी डांस फिटनेस क्लास ले लो, आप जुम्बा ले लो, बॉलीवुड डांस फिटनेस ले लो, भांगड़ा की क्लास ले लो 1 घंटे की। सो वही है कि आप इट्स कार्डियो, सो आप स्पिनिंग में घूम लो, स्पिनिंग साइकिल कर लो, या फिर आप ट्रेडमिल कर लो, या फिर कर लो, विच इज मोर इंटरेस्टिंग, राइट? सो यस, सो इट्स अ कार्डियो, इट्स अ कार्डियो वास्कुलर एक्टिविटी। So you burn 400, 500 minimum. There are clients who have showed me 700 calories in 1 hour class. So totally up to you, आप कितनी intensity से कौन सी class कर रहे हो, आप कितने break ले रहे हो। Zumba के साथ बाकी high intensity workout करना, gym करना, वो भी mandatory? Yes, I say, of course मैं बोलती हूँ कि अगर जिनका goal है, fitness goal है कि उनको weight loss करना है, और they want to see themselves in a certain way. Okay. So मैं बोलती हूँ कि of course you have to do cardio, but at the very same time you have to do strength training. Because cardio से आपका weight loss तो हो जाएगा, आपकी muscle tightening कैसे होगी? Of course, by doing your strength training. कई बार आप देखोगे लोग cardio cardio करके इतना weight loss कर देते हैं, उनकी skin लटक जाती है और बहुत सारी चीज। तो simultaneously आप सारे workout proper उसमें करो, जैसे कार्डियो एक दिन कर रहे हो, एक दिन जुम्बा कर रहे हो, तो एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, एक दिन वेट ट्रेनिंग कर लिया, यू नो सम लाइक दैट। सो इट शुड बी प्रॉपर प्लान्ड। इफ योर गोल इज टू ओनली लूज वेट, सो शुड बी प्रॉपर। सो ये प्लान एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर ही कराएगा? नो, इट्स अप टू यू। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ना आपका गोल क्या है। आप जुम्बा क्लास आ रहे हो, गोल तो आपको बताएगा ना अगर। हाँ, आप जुम्बा क्लास आ रहे हो, जनरली दिल्ली में तो क्लासेस होती हैं जिम्स में, ठीक है, आपकी मेंबरशिप के अंदर इट्स इंक्लूडेड, योर जुम्बा क्लास, आपकी बॉलीवुड डांस क्लास, आपकी भांगड़ा क्लास आपके मेंबरशिप में इंक्लूडेड है। फिर इट्स अप टू यू, आप बताओगे कि आपका वेट लॉस है, ये है, ये है, वो आपका ये गोल है, ठीक है, चलो आप एक दिन ये कर रहे हो, तो आपको जिम ही तो बना के देते हैं, ट्रेनर्स ही बना के देते हैं आपका शेड्यूल। ओके, सो द पर्सनल ट्रेनर्स का जॉब है। जुम्बा इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं, हमारा जॉब नहीं है टू मेक द शेड्यूल। तो न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिशन इज टोटली डिफरेंट, न्यूट्रिशन इज टोटली डिफरेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज टोटली। माय जॉब इज टू गिव अ जुम्बा क्लास, माय रिस्पांसिबिलिटी, आई विल गिव द बेस्ट ऑफ जुम्बा क्लास टू यू, रेस्ट इज अप टू यू दैट व्हाट हाउ यू वांट योर बॉडी, मतलब आपको आपके गोल्स क्या है, तरीके से इन ले लैम लैंग्वेज आपके गोल्स क्या है। ओके, उस हिसाब से लाइक अगर कोई चाहता है कि जिम नहीं कर रहा, सिर्फ जुम्बा क्लासेस अटेंड कर रहा है, हाँ जी, और आपसे जाता है कि शबीना मैम मुझे ना ये मेरा गोल है, हाँ जी, तो उसको क्या आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज बता सकते हैं? यस, सो दे
ऑफ कोर्स इफ आई हैव डन न्यूट्रिशन कोर्स, कुछ मैं खुद बोलती हूँ कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं, ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर नहीं, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको ये सारे कोर्स करने जरूरी है, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है. बट मैं खुद कहती हूँ जो मेरे पास इंस्ट्रक्टर्स आते हैं और आते हैं कि मैम हमें आपसे सीखना है ये है वो है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है आप सीखो, बट आपको फिटनेस की भी नॉलेज होनी चाहिए. कल को आपकी आपका CPR भी होना चाहिए, कल को कोई गिर गया तो आप क्या करोगे? यू वोंट पैनिक. यस आई हैव डन CPR. यस सो यू शुड नो, लाइक आपको फिटनेस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है. सो जैसे क्या होता है कुछ कुछ YouTube से सीखे, मतलब मैं किसी का नाम क्यों लूँ, बट कुछ लोग सीख के कि हाँ यहाँ से ये कर लो, नहीं, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट व्हाट इट इज. अगर आपने न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं किया है, यू डोंट गिव, आप मत दो, किसी का कॉपी पेस्ट करके मत दो. हर बॉडी टाइप अलग होता है, आप किसी का डाइट किसी को चिपका रहे हो, क्या पता उसके लिए वर्क नहीं करे, उसका वर्किंग पैटर्न अलग हो और वो इंसान का वर्किंग पैटर्न अलग हो, उसका बॉडी टाइप अलग हो, आप एक ही डाइट सबको चिपका दे रहे हो. आपने CPR की बात की, मैं भी बहुत इम्पोर्टेंट. हाँ जी, प्लीज आप बताना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट है लोगों को सीखना या बताना? सो CPR का ऑफकोर्स यस, अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं, अगर आप डांस फिटनेस ट्रेनर, आपका पूरे टाइम प्रोफेशन ये, तो CPR करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कोई भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपके जिम में हो सकते हैं, तो आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट बंदे को रिवाइव कर सको. पिछले 11-12 साल से आप जुम्बा में हैं, आप लोगों को, अपने लाखों लोग, हजारों लोगों को सिखाया होगा, बहुत लोगों को सिखाया होगा. सो बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया होगा जुम्बा के थ्रू, फिटनेस के थ्रू. सो कैन यू प्लीज शेयर एनी सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइफ थ्रू जुम्बा? सो यस, देर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, स्पेशली माई क्लाइंट्स, लाइक मतलब कुछ क्लाइंट्स हैं जैसे I will not name, but I will just say in general, like I'm doing this for 12 years, but it feels kabhi kabhi itna achha lagta hai, like you are able to change people's life. Like I had one client who was in depression. Okay. Really, matlab wo aisa tha ki usko suicidal thoughts tak, yani he has tried cutting his hand and all of that. But he used to like dancing and all. पर वही गर्लफ्रेंड प्यार वाला हिसाब हो गया, तो वो सारा उतना कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं कुछ चीज़ों से, सब वो चीज़ था. तो उसकी ना मम्मा यूज़ टू गेट हिम फॉर क्लास और लेके आती थी, उसका नहीं लगता था ध्यान. उसके क्लास के बाद मैं आधा आधा घंटा उससे बात करती थी, सम हाउ इज़ टू मेक हिम फील यू नो कम्फर्टेबल, लिसन टू हिम वॉट ही वॉन्ट्स टू से, ध्यान नहीं देती थी. आई बिकॉज होता है ना, एक सेम एज टू एज बंदा बहुत ज्यादा ओपनली आपसे बात करने लगता है. सो आई शुड नॉट गिव हिम ज्ञान, बिकॉज ही नीड अ पर्सन हु विल हु वांट हु शुड ओनली लिसन, सो उसको सुनना है, तो मैं उसे सुनने का काम करती थी. क्लास तो नहीं उसका फिर मोटो हो गया कि नहीं मैम से बात करना है मुझे, मेरा मन हल्का होता, तो वो इसलिए क्लास आता था, क्लास करने नहीं आता था. आई यूज्ड टू बी देयर, पीछे खड़ा रहता था, करता था क्लास, फिर आधा घंटा बात किया, ये वो ऐसे चलता रहा धीरे धीरे. देयर वॉज अ पॉइंट, काफ़ी महीने हो गए, देर वॉज अ पॉइंट वेर ही वॉज सो एंथू एंड देन ही स्टार्टेड, लास्ट लाइन से वो फर्स्ट लाइन आ गया, उसको अपनी मम्मी की भी जरूरत नहीं है आने के लिए. नाउ ही इज डूइंग सो वेल, ही इज अ ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर नाउ एंड ही इज डूइंग सो वेल इन लाइफ, सो वेल इन लाइफ. ही मतलब मुझे मैसेज करता है कि मैम यू हैव गिवन मी अ न्यू लाइफ. सो दैट इज देयर. सेकेंड, देर आर पीपल लाइक क्लाइंट्स इन माई क्लास हु हैव मेडिकल इशू. सो जैसे किसी को कंसीव नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ ओवरवेट. सो एक बार तो बहुत फनी इंसिडेंट बताती हूँ. तो एकदम से ना मैं क्लास करा रही और शी डिडंट टेल मी व्हाट वाज हर रीजन टू जॉइन हर क्लास एंड आई डोंट फोर्स बिकॉज इट्स सबकी पर्सनल चॉइस है, व्हाई शुड आई इवन गेट इनटू दैट स्पेस कि मैं पूछूं. तो एकदम से आई करी, मैम आपकी वजह से प्रेगनेंट हो गई. मुझे व्हाट, क्या ये क्या था, मेरी वजह से प्रेग्नेंट हो गया? एंड ऑल द क्लाइंट्स आर लुकिंग एट मी के क्या बोल रही है. मैंने कहा कि मैम मतलब मेरी वेट की वजह से. मैंने कहा भाई पूरी बात बोल दे कि मैम मेरी वेट की वजह से नहीं हो पा रहा था एंड लाइक आई लॉस्ट द वेट एंड नाउ एंड देन शी रियलाइज शी इज ऑलरेडी 2 months प्रेग्नेंट व्हेन शी डिड हर टेस्ट. So then she discontinued class. So there are a lot of success stories, a lot of stories where I see unki health improve ho rahi hai and you know, kuch kuch aate hain jinke liye sirf ye happy zone hai. Zumba is their happy zone. Agar main cancel bhi kar doon na class, like ma'am kyun kar di yaar, hum to kaam jaldi khatam karke aa rahe the. So they look forward to that class because wo apne aap ko wo 24 hours mein na apne aap ko wo 1 ghanta dete hain of happiness.
कुछ काम नहीं कुछ नहीं, सिर्फ डांस करना है, फिटनेस पे ध्यान देना, वो ध्यान वो भी नहीं रहता लोगों के दिमाग में। एक होता है अटैचमेंट हो जाती है इंस्ट्रक्टर के साथ, हमारी क्लाइंट्स के साथ। सो वो 1 घंटा कुछ कुछ लोगों के लिए हैप्पी जोन है वो। मतलब किसी को क्रश तो नहीं हो जाता इसी वजह क्रश से पीछे वाली लाइन से आगे आ जाना या फिर सारा डिप्रेशन नहीं, खत्म कर ऐसा तो देना? चलता रहता है। बट हाँ ऑफ कोर्स बहुत फनी फनी डीएम्स आते हैं। जैसे एक रिसेंटली का कुछ टाइम पहले एक डीएम आया कि मैम आई वांट टू डू सेटिस्फेक्शन। मैंने कहा सेटिस्फेक्शन, मैं कहा व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फेक्शन, वैसे क्वेश्चन मार्क भेजा, और क्लाइंट ही था। मैंने कहा क्वेश्चन मार्क भेजा, मैंने कहा सेटिस्फेक्शन, तो कह रहा नहीं मुझे जुम्बा सीखना। मैंने कहा सर्टिफिकेशन करना है ये, बोलो आप आधी रात को किसी को सेटिस्फेक्शन बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। सो यू वांटेड टू से सर्टिफिकेशन, ही एंड अप। सो ऐसे आते बहुत फनी फनी आते हैं, कुछ होते हैं क्लाइंट्स, सब सबका सब चलता है यार, चलता हाउ रहता डू है। यू कीप योर क्लासेस इंगेजिंग एंड फन? लाइक आप प्रेग्नेंट भी कर देते हो लोगों को, सो कैसे? प्रेग्नेंट भी कर देते हैं। एनीवे सो फन और एंगेजिंग। सो हम क्या करते हैं, कई बार हम वॉर करते हैं, लाइक वी मेक 2 ग्रुप्स, वी मेक वॉर, मे बी वी मेक पार्टनर्स एंड मेक देम डू सम फिटनेस एक्टिविटी, और मे बी अ सॉन्ग हम ऐसे कोरियोग्राफ करते हैं कि वो पार्टनर वर्क हो, पार्टनर वर्कआउट हो। सो दैट्स हाउ वी कीप एंगेजिंग। कई बार हम कोई गेस्ट इंस्ट्रक्टर बाहर का बुला लेते हैं, मे बी कुछ नया रिदम करा देते हैं, सो समथिंग लाइक दैट। कभी कभी हम इवेंट्स, जैसे मेरे इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई इवेंट कंपनी ने अप्रोच किया कि हमें ऐसे नियॉन पार्टी करनी है। अभी रिसेंटली नोएडा में DLF मॉल ऑफ इंडिया में नियॉन पार्टी थी, तो आई वॉज देयर। सनम जौहर, इफ यू नो, द बॉलीवुड डांसर फ्रॉम DID, सो ही वॉज देयर। सो वी हैड लाइक 500 पीपल का क्राउड। सनम जौहर, सनम जौहर इज हिज नेम, नो नॉट श्योर। हाँ, सो ही वॉज देयर, आई वॉज देयर। गौतम शर्मा जो भांगड़ा के लिए बहुत फेमस है, तो वो लुधियाना में रहते हैं, तो वो लुधियाना से आए थे। तो वी 3 वर द आर्टिस्ट, वी डिड दैट नियॉन पार्टी। सो द होल थीम वाज नियॉन एंड एवरीबॉडी वाज वेयरिंग नियॉन, सो वो नियॉन में सिर्फ कोई नियॉन नियॉन दिख रहा था। एंड सो ऐसे हमारे इवेंट्स होते हैं, सो वी कॉल आवर क्लाइंट्स, सो इट्स अ पार्टी काइंड ऑफ अ फीलिंग देयर। सो दे आर डूइंग ऑफ कोर्स एक्टिविटीज ऑल्सो एंड दे आर हैविंग फन एट द वेरी सेम टाइम। सो वो चीजें होती हैं, जैसे एक्वा ज़ुम्बा भी होता है स्विमिंग पूल में, सभी गर्मी चल रही है। अच्छा, यस, इट्स कॉल्ड एक्वा ज़ुम्बा। तो हम वो भी करते, सो वी कॉल दैट एज अ पूल पार्टी फॉर देम। सो ऐसे हम इंगेज करते रहते हैं, कुछ इवेंट्स करते रहते हैं। तो इसमें सिंगल्स का तो बहुत फायदा होता है। हाँ, बहुत। आप भी आ जाइए क्लास, आपका भी फायदा हो जाएगा। नोएडा में कब है आपका? सो इंटरेस्टेड। वैसे तो इज लाइक हाँ 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 बोल रही है, कुछ कुछ बोल रही है, चलो सुन लेते हैं। हाँ, नोएडा में कब होगा ऐसे सिंगल्स का फायदा? जुम्बा मुझे बहुत पसंद है, मैं करता भी हूँ, लेकिन कभी कभी करता हूँ। अब तो अब ये रेगुलरली करेंगे जुम्बा। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी एक्टिविटीज होंगी तो मैं बिल्कुल करूंगा। यस यस डेफिनेटली। सो ये सब होता है इंगेजिंग के लिए। हम कुछ क्रियोग्राफीज भी ऐसी बनाते हैं जो इंगेजिंग हो, 1-to-1, मतलब पार्टनर के साथ हो, ग्रुप के साथ हो। हम ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, कभी कभी वॉर करा देते हैं। एक रैंडम म्यूजिक लगा दिया और 2 टीम में वॉर चल रहा है कि भाई कौन बेस्ट है। यू नो लाइक आपको किसी को प्राइज नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल में नहीं है हम, पर किसी को प्राइज नहीं मिलता, बट इट्स जस्ट अ पुश अप फॉर देम। प्राइज मिलता होगा लोगों को, आपको नहीं पता, बहुत लोगों को प्राइज मिल जाता होगा। तो मैम, इतनी इंगेजिंग क्लास में बहुत सारे बॉन्ड्स भी बनते होंगे लोगों के, फ्रेंडशिप्स होती होंगी। यस यस डेफिनेटली। सो हैव यू एवर सीन लाइक स्ट्रांग बॉन्ड्स और फ्रेंडशिप फॉर्म? आई हैव सीन, आप मेरा ही देख लो। आई हैव, मैं तो शादी कर ली मैंने। अच्छा, हाँ। सो आई मेट माय हस्बैंड इन ज़ुम्बा वर्ल्ड। इससे ज्यादा फायदा क्या हो गया यार ज़ुम्बा का? जो सिंगल है वो तो ज़ुम्बा क्लासेस आओ यार, जाओ और अपना हस्बैंड या वाइफ लेके जाओ। अब मैं ऐसे ही प्रमोट करूंगी अपनी क्लासेस। तो प्लीज मैम अपने बारे में बताएं, क्या किस तरह, किस आपका तरह आपका फॉर्म, आपका बॉन्ड किस तरह, मतलब किस फॉर्म तरह बना? सो पहले ना ज़ुम्बा कोई जानता नहीं था, तो ज़ुम्बा में भी ना लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे B1 B2 एक्वा ज़ुम्बा और ज़ुम्बा संताओ चेयर के साथ होता है, ज़ुम्बा स्टेप स्टेपर के साथ होता है, तो इनकी ट्रेनिंग्स आपको करनी पड़ती है। सो वो ट्रेनिंग में आई थिंक 18 ईयर्स की थी मैं, तब मैंने B1 कर लिया था, B2 भी कर, तब एक्वा ज़ुम्बा ट्रेनिंग हो रही थी चेन्नई में, और मैं मुंबई में रहती थी तब, एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली। हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, तो मैं चेन्नई गई थी ट्रेनिंग करने के लिए, एक्वा ज़ुम्बा ट्रेनिंग। आई मेट हिम देयर, सो मैं उनको वहां मिली। ट्रेनिंग था, सब अलग अलग सिटी से आ रखे थे, तो वही बातचीत हुई भी, ठीक है। पर एक बहुत फनी चीज थी कि जो मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं करने गई थी,
उसको शी हैड अ क्रश ऑन माय हस्बैंड. ओके सो हमारा ब्रो कोड चल रहा था कि ठीक है तेरा क्रश है, मैं नहीं बात कर रही, ब्रो कोड नहीं होता हाँ तो मैं नहीं करती बात, तो ये वाली चीज थी. बट देन मेरा उसके साथ ज्यादा बॉन्ड हो गया इन द ट्रेनिंग. एंड देन ऐसे कर करके देन वी वेंट टू आर सिटीज बैक, फिर हमारी बातचीत हुई. फिर मुझे ये था कि यार दिल्ली का है, मैं मुंबई से हूँ, नहीं हो पाएगा, आई एम मुस्लिम, ही इज हिंदू. मैंने कहा हो ही नहीं सकता. सो इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, बट आई वॉज लाइक एंड आई वॉज टू फोकस्ड इन द करियर कि मैं सोचू भी अबाउट हैविंग अ यू नो वेरी सीरियस रिलेशनशिप. एंड आई वॉज टू यंग, मैं बहुत यंग थी, 18 18 साल की थी मैं. बट पेशेंस है मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत, सो ही केप्ट ऑन एंड ऑन. कुछ बहाने से ना बार बार मुंबई आते थे कि मेरी ये ट्रेनिंग है, मेरी वो ट्रेनिंग है. सो ऐसे कर करके वी केप्ट मीटिंग. फिर देन आई वॉज लाइक कि नो आई डोंट वॉन्ट टू टेक दिस हाइड, बिकॉज एक एक वो होता है ना दिमाग में, हाँ ठीक है मुंबई से मैं हूँ, दिल्ली कौन जाएगा. ऑफकोर्स मुंबई दिल्ली का चलता है फ्लिक्स, आपको सबको पता है. सो मेरे को ये था कि नहीं, और फिर वो टीवी देख देख के क्राइम पेट्रोल, दिल्ली में आज ये हो गया, ये हो गया भाई. तो फिर ऐसे ही था कि सेफ्टी नहीं मुंबई से है लड़की जा रही है, भाई. फ्रिज में मिल गए। तो एक एक्चुअली मैं झूठ क्यों बोलूं, सच में ये चीज दिमाग में होती है. लाइक मुंबई वाले दिल्ली वाले को नहीं पसंद करते, दिल्ली वाले मुंबई वाले को नहीं पसंद करते, टू नहीं, बी ये वेरी तो सबसे ऑनेस्ट. बड़ा एग्जांपल है, हाँ पसंद तो मैं वही करते हैं। बता रही हूँ कि ये तो हमने मिथ तोड़ दिया, ये बोल सकते हो. तो मेरे को ये था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, लाइक आई जस्ट डोंट डोंट वॉन्ट टू बी इन दिल्ली. बिकॉज ऑफ मेरा मेन रीजन भी अभी भी, इट्स नॉट आई हेट दिल्ली, आई लाइक दिल्ली, ऐसा नहीं है. पर ना यहाँ जजमेंटल बहुत वाला हिसाब है, राइट, पीपल जज यू एंड सी यू एंड देन एंड ईगो वाला हिसाब बहुत ज्यादा है. दीज टू थिंग्स ओनली आई डोंट लाइक, बाकी सब तो इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन. तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं करना नहीं करना. बट यार फिर मुझे ऐसा लगता कि यार एक सिटी की वजह से अ पर्सन लाइक हिम, लाइक ही इज वेरी ऑपोजिट. अगर आप उससे मिलोगे ना, मेरे से बहुत ऑपोजिट है, वो बहुत कम बात करते हैं. एंड इज वेरी रिजर्व, इज वेरी पेशेंट, आई एम वेरी हाइपर, आई टॉक अ लॉट, आई लाइक टू हैव फन. तो हम इतने ऑपोजिट है ना, वो एक्चुअली बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, हमारा कुछ भी नहीं मिलता. हाँ इज ही सीनियर टू यू? या हमारा कुछ भी नहीं मिलता, लाइक कुछ भी नहीं. खाने में भी हमें लड़ाई होती है कि इसको ये पसंद है, मेरे को कुछ और ही पसंद है, ऐसा पता होता ना, है. नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ना, तभी वो हाँ मिल पाते हैं, तो वरना इतना ऐसे हमारा कभी भी ना एक सेम सेम रिलेशनशिप होगा तो में, रिपेल हो जाएगा। एक रिलेशनशिप में ही नहीं होता कि हाँ अच्छा तुझे भी ना मुझे भी ये पसंद है. हमारा मोमेंट कभी नहीं हुआ, हमारा बाल नोचने के मोमेंट हुए, क्यों नहीं पसंद है. सो हमारा ऐसा रहा पूरे टाइम. बट देन आई रियलाइज धीरे धीरे करके कि यू नो नहीं, इज द राइट पर्सन टू गेट मैरिड. बिकॉज कितने टाइम दिस का प्रोफेशन, रिलेशनशिप था? आर रिलेशनशिप वॉज फॉर 3 4 4 years, फोर फोर इयर्स ईयर्स एंड माई मैरिज इज 7 years, सो वी ऑलमोस्ट 11 years टुगेदर नाउ. ओके तो 4 साल हाँ वही 18 की दिल्ली थी मुंबई मैं, का, आई तुम एम बांग्लादेश ट्वेंटी से हो। नाइन ओके राइट नाउ, सो कैलकुलेशन कर लो कितना भी टाइम आई स्पेंड विथ हिम. या सो दैट्स हाउ माई लव स्टोरी हैज स्टार्टेड. एंड देन पूरी आई घर वालों पे बात, हाँ जब एग्जैक्टली फिर क्या घर वाले कैसे यस, मतलब मान गए बिकॉज फिर? रिलीजन तो, और ऐसा भी नहीं कि सेम रिलीजन बट अलग अलग वो है, हमारा रिलीजन ही पूरा ऑपोजिट. आई एम मुस्लिम, ही इज पहाड़ी राजपूत. तो मुश्किल होना था फिर मुंबई दिल्ली का इतना बड़ा ड्रामा. तो एक हिंदू बहुत, मुस्लिम वाली चीज को कैसे मैनेज किया आपने? हमने तो समझ लो बॉर्डर पार किया है. मैं अभी भी ट्रोल होती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे अभी भी ट्रोल किया जाता है, बहुत ट्रोल करते हैं. लाइक जैसे करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गई, अगर मैंने फोटो डाल दी तो लोग ना टैग कर देते, कम्युनिटी को टैग कर देते राइट हैं, राइट राइट मुस्लिम कम्युनिटी को, ये वो कि तुझे जिंदा जला देना चाहिए, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, वेस जिहाद ये वो बहुत कुछ बहुत कुछ. बट आप इग्नोर, मैं इग्नोर करती हूँ, सब कुछ इग्नोर करती हूँ, आदत हो गई है. बट कभी कभी इतने हार्श होते हैं ना, ऐसा लगता राइट है कि राइट यार तुम्हारे दिल ही नहीं है, मतलब लाइक हाउ कैन यू से सो बैड थिंग्स टू समवन. तो कभी कभी चुपती हैं चीजें. सो मैं हर त्योहार पे, हर साल का पैटर्न है, मैं ट्रोल होती ही होती हूँ. सो इन चीजों दोनों पे, फेस्टिवल पे मतलब हाँ दोनों पे, ईद पे भी, लाइक ईद पे डाला मैंने, अभी जो ईद गई हमारी, तो ईद पे आई वेंट मुंबई, ईद पे मुंबई जाती हूँ मैं रोजे भी रखती हूँ. तो उसमें भी मैंने स्टोरी डाली थी, तो और मैंने पोस्ट भी डाली थी. सो मेरी मॉम की एक ये चीज है कि उनको ये रहता है कि इंसान कैसा है, अगर इंसान अच्छा तो मम्मी को नहीं फर्क पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा. बिकॉज जहाँ तक अपने पेरेंट्स को जानते हो कि राइट कैसे हैं क्या राइट है, राइट
तो जब भी वो मुंबई आता था ना तो मैं उसे लेके चली जाती थी घर फॉर लंच डिनर। मम्मी को बोलती थी मम्मी फ्रेंड की तरह ही मिल लो, फिर हमारे बाकी के दोस्त भी तो घर आते हैं, तो ये ठीक है सिर्फ फ्रेंड है ना। मैंने कहा हाँ सिर्फ फ्रेंड है। तो ऐसे घर लाने लगी मैं उसे फॉर लंच डिनर ऐसे ऐसे कर करके। सो मम्मी रियली लाइक्ड हिम बिकॉज मम्मी और उसका नेचर थोड़ा सेम है, मम्मी का और उसका, तो मम्मा को बड़ा अच्छा लगा वो। फिर मम्मा को हो गया, कह रहे ये कोई तरह दोस्त नहीं है, यू आर सीइंग दिस गाय। फिर मम्मा ने मुझसे बहुत बात करी कि उसने अपने घर बता दिया है। मैंने कहा नहीं बताया है, पहले आप तो मान जाओ, कुछ अश्योरिटी तो हो। मैंने कहा कर लेगा कुछ चीज़ें, एक लड़का अच्छा है पर इन लॉज नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मम्मी ने मेरे को समझाई कि तू सोच ले कि, और तू बहुत यंग भी है ना। आई वॉज आई थिंक 21 वो टाइम पे जब मैंने बता दिया था घर पे। इतनी जल्दी शादी की हाँ लग नहीं शादी की नहीं, मेरा ये था क्योंकि यार कितना झूठ बोलोगे यार कि गई थी। यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, तो सिटी अलग, ऐसा भी नहीं कि सेम सिटी हाँ आके मिल लिए 2-3 घंटा हो गया काम, वो तो नहीं। मैंने कहा सिटी से जब आता था तो मैं पूरा पूरा दिन नहीं रहती थी है ना। आई एंड शी इज अ सिंगल मॉम, मेरी मम्मा इज अ सिंगल मॉम, तो आई वॉज लाइक आई डोंट वॉन्ट टू यू नो डू यू नो मेक हर अनहैप्पी फॉर, एंड आई एम द एल्डेस्ट डॉटर सो आई यूज टू फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स। तो ये चीज़ हुई, फिर मम्मा ने बोला कि देख ले तू, अगर तो फिर भी चाहती है तो मैं थोड़ा टाइम और ऑब्जर्व करूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर जब प्रतीक घर पे आया एक बार ऐसे मिले, तो मम्मा ने बात करी कि आप घर पे कब बताओगे, वो कह रहा है माँ मैं बता दूंगा। ये उनका बॉन्ड अच्छा हो गया काफ़ी अच्छा। फिर उसने यहाँ बताया अपने मम्मी अपने पापा घर को, पे ऑफ कोर्स दे डिडन्ट एग्री बिकॉज नो बडी विल राइट एग्री फॉर दिस, इट इज़ देयर बिकॉज शायद हम पेरेंट्स बनेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें नॉर्मल होंगी, राइट पर फॉर आर पेरेंट्स इट इज़ नॉट। सो दे डिडन्ट एग्री, ही हैड टू कन्विंस, एंड बहुत लड़ाइयाँ हुई। फॉर ओके 1 ईयर आई टोल्ड हिम कि भाई नहीं हो रहा, डेली सेम सेम कलेश हो रहा है। ऑफकोर्स आर वर्क, बोथ ऑफ आर वर्क इज फिजिकली ड्रेनिंग, राइट वेन यू कम होम फाइट्स हो रही हैं, मेंटली ड्रेनिंग अगेन, यू गेटिंग जीरो रेस्ट, इट इज शोइंग ऑन योर बॉडी। राइट सो आई वॉज लाइक ये छोड़ देते हैं, ये यू विल फाइंड समवन मोर बेटर, सम थोड़ा फेस लगता है हो जाएगा। बट दिस गाय हैड सम पेशेंस दैट ही स्टूड, ही फॉट फॉर अ ईयर एंड द मोमेंट। और फिर क्या हुआ, जब ये मान वान नहीं रहते, मम्मा ने देखा कि थोड़ी मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, ये है वो है, सो इस चीज में माई मोम प्लेड अ वेरी दिस रोल। मम्मा ने मुझे बोला कि मैं जा रही हूँ, हमारा ना नेटिव प्लेस इज आगरा, ओके सो मम्मा ने बोला कि मैं आगरा जा रही हूँ, कोई शादी है तो ठीक है। सो माई मॉम एंड माई नानी केम हियर, ओके केम डायरेक्टली टू माई इन लॉज हाउस, ओके एंड प्रतीक इज कॉलिंग मी, वेर आर योर, वेर इज योर मॉम एंड योर नानी। मैंने कहा तो वेडिंग में गए हुए हैं, कह रहे वो मेरे घर पे बैठे हुए हैं। आई वॉज लाइक वॉट, उनको एड्रेस पता हाँ बिकॉज आप रिलेशनशिप है होता है तो आप कुछ ओके ना कुछ भेजते रहते हो ना एक दूसरे को, राइट तो राइट हमारा चलता रहता था कि हम कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते थे उसके, राइट आते थे घर पे, तो वो एड्रेस होता है उसपे, एंड मम्मा ने वही ढूंढ लिया। और रिसेंटली उसने बहुत बड़ा टेडी भी भेजा था मेरे अच्छा लिए, तो ओके मम्मा के पास एड्रेस था, सो शी केम हियर। आई वॉज लाइक शिट अब क्या होगा, एंड आई वॉज क्लूलेस कि क्या होगा। तब तक मम्मा को मैं मतलब प्रतीक बहुत पसंद आ गया था, एंड शी वॉज लाइक इफ माई डॉटर वॉन्ट दिस ओनली लेट मी डू इट, अगर बच्चों से नहीं हो रहा तो। पता नहीं क्या जादू किया मेरी मम्मा ने, यहाँ आके शी स्पोक टू देम, एंड देन आफ्टर दैट मम्मा केम बैक। मैं मम्मा को फोन किया, उसके बाद माई मॉम एंड इसके पेरेंट्स भी मान गए, एंड जैसे ही माने हमने एंगेजमेंट कर ली। अरे वाह, वी वर लाइक ये कल मना करे कोई, फूफा तुरंत फूफी बुआ पता नहीं कौन, कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए, इन्होंने बोल दिया ना फटाक से एंगेजमेंट कर लो। हमने ना एंगेजमेंट कर ली, ओके अब एंगेजमेंट कर ली हमने अप्रैल में। ने बोला कि चलो हम ना वी विल गेट मैरिड इन द नेक्स्ट ईयर बिकॉज आई वॉज टू यंग, आई वॉज आई हैड दैट फियर, शादी इतनी जल्दी 22 साल में कौन करता, अभी भी कोई नहीं करता। सो आई वॉज लाइक नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। फिर सम क्योर स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर एंगेजमेंट, सम वो रिश्तेदार वाला इधर उधर राइट से राइट होने राइट लगा। होने लगा ये मुझे लग रही है शादी कैंसल। हम दोनों ने आपस में बात करी, मैं हमने शादी कर ली चुपचाप नहीं चुपचाप नहीं, ऑफकोर्स यू लाइक कि नहीं 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 हमारा करियर का ये चीज है वो चीज है, इसको पूरा नया स्टार्टअप, वी मेड अप अ स्टोरी, अब ये देख लेंगे ना मेरे इन लॉज कट जाएंगे, हम दोनों का सीक्रेट पता लग जाएगा। सो हमारा ये था कि हमने एक्सक्यूज किया कि भाई हमारा करियर का है, ऑफकोर्स फ्रॉम मुंबई शी विल लीव एवरीथिंग एंड कम, वो जो एक्चुअली बात है कि शी हैज टू स्टार्ट हर होल करियर अगेन, सो इट्स बेटर दैट शी गेट मैरिड ऑनली, और फिर हम उसका करियर वापस शुरू कर लेगी।
ऐसे करके हमने अप्रैल में एंगेजमेंट हुई, बीच में न्यूसेंस क्रिएट हुआ जैसी रिश्तेदारों का, हमने बोला शादी कर, हमने करी, मई में शादी होगी, शादी वाह, तो सारी सेटिंग हमने 20-25 दिन में बिठाई प्रॉपर शादी सारे। हुई आपकी? या ऑफ कोर्स अ प्रॉपर वेडिंग। सो ये थी स्टोरी। ऑफ कोर्स बीच में हुआ बहुत सारा कुछ कि नहीं मान रहे थे ये शादी नहीं के बाद सब वो। नॉर्मल? अभी सब हाँ नॉर्मल ऐसी, आई थिंक सबको टाइम लगता तो है एक दूसरे एडजस्ट की होने फैमिली से में। मिलते हैं लोग? हाँ हाँ ऑफ कोर्स मिलते हैं। लाइक माय मॉम कम्स हियर, अभी रिसेंटली रह के गई है मेरी मम्मा यहाँ, सो कोई इशू नहीं है सारा। पर आई थिंक आफ्टर मैरिज बोलते हैं ना कि नहीं हो पाता है, चीजें नहीं सेट हो पाती हैं। ऑफकोर्स नहीं होती हैं, किसने बोला कि एकदम से कोई चीज नहीं हो सकती। आप उनकी स्पेस में आ रहे हो, आप भी अभी कैसे अपने मैनेज करते हो आप? ऑफ बोथ बोथ द हाउसेस। नो आप क्लासेस और अपना ये सब? या सो आई स्टे विथ माई इन लॉज, सो क्लासेस करके यहाँ आती हूँ। आई स्टे विथ माई इन लॉज द आफ्टरनून, मेरी मॉर्निंग इवनिंग की क्लासेस वाला टाइम होता है। सो ऑन वीकेंड्स आई टेक देम आउट, स्पेंड टाइम टुगेदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर थोड़ा टाइम लगता है, बोलते हैं कि नहीं हो पाता है एडजस्ट, ऑफ कोर्स नहीं होता, बट इट टेक्स अ लिटिल टाइम। बट वो बोलते हैं ना, ताली दो हाथ से बजती है, राइट कुछ यहाँ से एफर्ट्स कुछ वहाँ से एफर्ट्स, एक बंदा करने जाएगा तो हो ही नहीं सकता। राइट सो दोनों तरफ से एफर्ट्स होते हैं तभी चीज़ वर्कआउट होती है। ऑफकोर्स मुझे भी टाइम लगा इनिशियली यहाँ आके कि कैसे करना है क्या करना है, नहीं समझ में। मैं भी फ्रस्ट्रेट होती थी, मेरे हार्मोनल चेंजेस इतने हो गए थे, मैं इतनी परेशान हो गई थी दिल्ली से कि यहाँ भी मतलब सोच समझ के जगह जानी पड़ती, अकेले नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ देख के एकदम से वो हो गई थी कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, एंड आई गेन सो मच ऑफ वेट। मतलब मैंने जब शादी की था 50 kgs, एंड ओके आफ्टर मैरिज आई वाज 75 इन ओके 3 मंथ्स, ओके जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस। एंड मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेस क्या होता है। लोग बोलते थे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आता था कि स्ट्रेस होता क्या है। पर जब वो फेज आई ना, देन आई अंडरस्टूड वॉट स्ट्रेस इज एंड हाउ इट कैन टेक रोल ऑन योर बॉडी। हमने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात की थी, फ्रेंडशिप की बात की थी, यहाँ हाँ शादी जी तक आ गई है बात, हाँ शादी जी भी हो गई है, हाँ तो आप जी जैसी बहुत सारी स्टोरीज रही होंगी हाँ जो जी हाँ जी जुम्बा स्टार्ट करते हैं और उसका एंड रिजल्ट कुछ और कुछ होता मिलता है, लोग की शादी हो जाती है, दैट्स रियली गुड कि किसी को कहीं नहीं मिल रहा, तो भाई मिल रहा है। जुम्बा क्लास आ जाओ। मैट्रिमोनियल साइट छोड़ दो आप, हाँ आप जुम्बा क्लासेस आ मैम जाइए। प्लीज अपना एड्रेस बता हाँ दीजिए, लोग अगर आपकी क्लास ज्वाइन आपकी कर लेंगे। आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ नहीं मिल रही है, अगर आप सिंगल हो तो आप जुम्बा क्लास आ जाइए। जैसे आयान आने वाले हैं बहुत जल्दी, मेरी क्लास ही सिंगल है, आप देख सकते हैं। डोंट से आई एम सिंगल, ही इज डबल बट स्टिल ही कम टू जुम्बा क्लास। हाँ मैं जुम्बा क्लास में आ सकता हूँ। विंडो शॉपिंग। ओके हाँ सो मैम, अभी फ्यूचर में आप कुछ डेवलपमेंट्स, कोई न्यू प्रोग्राम्स विद इन जुम्बा लाइक जिसके लिए आप पर्टिकुलरली एक्साइटेड हो कि हाँ ये नया कुछ स्टार्ट होने वाला? विद इन जुम्बा अभी तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं है अभी। बहुत सारी चीजें इन लूप्स चलती रहती हैं, जैसे मोर ऑफ जुम्बा इवेंट्स की तरफ ज्यादा हो गया है, एंड आफ्टर बीवी ज्यादा हो गया है, सो इवेंट्स का ज्यादा होता है एंड कॉर्पोरेट्स में ज्यादा है, सो वो वाली चीज है। अभी फैमिली प्लानिंग भी करनी है तो अभी थोड़ा राइट राइट राइट, अब तो सब कुछ हो गया, बिग बॉस भी कर लिया और हाँ काफी सारी चीजें आपकी। हाँ तो तो मैम बस हाँ पहला जी प्रोजेक्ट आपको क्या मिला था लाइक जब आप एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन गए, कब आपको लगा कि हाँ यार मैं सक्सेसफुल जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन गई? किसी टीवी चैनल पर आपका कोई प्रोग्राम आपको ऑफर हुआ या फिर आपने बिग बॉस किया? राइट यस तो यस प्लीज बताएंगे। सो पहला मेरे को कलर्स नहीं, पहला जूम पे हुआ था। सो जिनसे मैंने सर्टिफिकेशन किया था, सुचेता पाल, सो शी इज नॉट नाउ अ जेस, सो उनसे मैंने सर्टिफिकेशन किया था। सो पहले मैं उनकी टीम में थी, सो होम ऑफिस से ना प्रमोशनल चीज़ें करनी थी, बिकॉज पहले जुम्बा कोई जानता नहीं था, राइट सो उनको प्रमोशनल करनी थी। तो जुम्बा हैज़ अप्रोच्ड, जुम्बा होम ऑफिस हैज़ अप्रोच्ड जूम चैनल टू मेक अ सीरीज ऑफ जुम्बा ओके जिसमें जुम्बा फीचर हो फॉर ओके एडवर्टाइजमेंट। ओके ओके सो आई वॉज इन हर टीम, सो वी डिड जूम फॉर देम। उसमें वी हैड एवरी एपिसोड वी हैड डिफरेंट सेलिब्रिटीज। सो वंस वी हैड अलग अलग प्रोफेशन से, रणवीर ब्रार जो हैं, जो शेफ हैं, सो ओके उन्हें एक एपिसोड में लिया था। सो दे वॉन्टेड टू शो देयर नॉन डांसर कैन ऑल्सो डू जुम्बा, सो ओके अलग अलग फील्ड से लिया था। एक पलक मुछाल है जो सिंगर सिंगर है, उनको लिया था। फिर एक अगर आप जाते पल्लवी शारदा करके हैं, ओके ऑस्ट्रेलियन वो हैं पर वो इंडियन इंडियन है पर ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, ओके तो शी वॉज द एंकर फॉर द शो। देन
दिव्या घोसला जो टी सीरीज की हैं, उन्होंने भी शो हमारे साथ एक शो किया. तो वी वांटेड, सो जुम्बा का ये था कि हर फील्ड से एक एक अलग अलग बंदा चाहिए सो दैट दे कैन शो कि जुम्बा इज फॉर एवरीवन. सो वी डिड दैट. सो हमने पहले सीजन वन किया. सीजन वन वेंट सो वेल दैट जूम ओनली अप्रोच्ड द सेकंड टाइम टू जुम्बा दैट ही वांटेड टू सीजन टू. बिग बॉस का ऑफर कैसे मिला आपको? कब बिग बॉस का ऑफर? आई थिंक 16, मैंने बिग बॉस 16 किया है तो आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में. सो व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ अप्रोच प्रतीक प्रतीक करके ना एक देयर इज अ कोरियोग्राफर, फेमस कोरियोग्राफर झलक दिखला जा, प्रतीक नाम है उनका. सो ही अप्रोच्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, ही मैसेज्ड मी दैट कैन यू गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई रियली वॉन्ट टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग. ओके, so I replied back. मैंने कहा okay, तो फिर he called me. He's like, he didn't of course disclose the show to me. Okay. He didn't disclose because they're not supposed to disclose the initial because Big Boss का तो करते ही नहीं है क्योंकि सब कुछ surprise ही होता है वहाँ. Right. तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे reality show है and one day का Zumba करना है and we want you to come over and do Zumba. So I was like okay. फिर इन्होंने बोला कि you will get a call from the company. Okay. जो भी शो है वहां से आपको फोन आएगा. सो मुझे कलर्स टीवी से फोन आया. हाँ, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम. सो दे आस्क्ड मी कि आप अपनी आपकी वीडियो, सो दे सॉ इट्स ऑल इंस्टाग्राम दे सॉ एंड दैट्स हाउ दे अप्रोच्ड मी. सो दे लाइक वी सॉ द प्रोफाइल एंड एवरीथिंग. हाँ, इंस्टाग्राम से. सो दैट वी सॉ दिस एंड वी हैव, हमने बहुत सारी शॉर्ट लिस्ट करी है बट वी यू नो रियली लाइक योर प्रोफाइल एंड द वे यू टीच योर क्लास, इट्स वेरी यूनिक. व्हाट वाज योर रिएक्शन? I was, they didn't disclose me at Big Boss. Okay. They just said it's Colors TV. So okay. It can be Jhalak Dikhla Ja, it can be but India's Got Talent, it can be anything. But show to kaafi bada hi hai na, uske hisab se agar Colors so TV. I was like, I was of course happy, but na pehle bhi aa chuke hain mujhe, but mera na jahan atka hua tha na, wo gharari atki hui thi jo bolte hai na, ki zyadatar they ask you to do barter. Okay. एंड बार्टर में मतलब विदाउट पे, विदाउट पे लाइक यू गिव योर सर्विसेज दे गिव यू सेम काइंड ऑफ अ थिंग. सो मेरी ना गरारी उस पर अटकती है. आई टेल यू व्हाई. इफ यू टेल मी टू डू एक्टिंग, इफ यू टेल मी टू डू मॉडलिंग, इफ यू टेल मी टू डू समथिंग व्हिच आई एम नॉट प्रो एट, राइट, आई विल डू इट फॉर बार्टर. बट समथिंग व्हिच इज माय प्रोफेशन एंड आई हैव वर्कड हार्ड फॉर लाइक 11-12 इयर्स एंड इफ यू आस्क मी टू डू दैट फॉर फ्री फॉर फेम, I cannot, मेरा ना जमीर गवारा नहीं करता कुछ भी बड़ा हो. मेरा नहीं, सच में नहीं करता. मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ. तो इसलिए फिर मैं, मेरी मेरे को ऑफकोर्स खुश थी मैं कि आई वॉज ग्रेटफुल कि ऑफ कोर्स आया है, आई वॉज वेरी हैप्पी. सारी बात हुई फिर उन्होंने बोला कि वी वुड लाइक टू डू अ जूम कॉल राइट नाउ एंड आई वॉज ऑन द वे फॉर माई क्लास. आई वॉज लाइक आई कैन डू आफ्टर 8:30. सो उन्होंने बोला कि ठीक है 8:30 के बाद करेंगे. सो जूम कॉल हुई वीडियो कॉल पे. मेरे जिम के ऊपर ही ना जहाँ मैं क्लास थी वो कैफे था. आई सैट देयर एंड आई डिड अ जूम कॉल एंड देन एंडमॉल की पूरी टीम थी एंड दे स्पोक टू मी, इंटरव्यू लिया, ये वो ऐसा वैसा. सो दे वर लाइक परफेक्ट, वी रियली लाइक यू, वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, वील जस्ट सेंड यू टिकट्स एंड कम ओवर. सो आई वॉज लाइक वॉट अबाउट द कमर्शल्स, टिकट्स तो भेज रहे हो, कमर्शल्स का क्या? तब इन्होंने एक ही दिन की बात करी थी फॉर वन डे, दे वॉन्टेड फॉर वन डे. सो आई वॉज लाइक कमर्शल का क्या भाई? तो उन्होंने बोला कि नो वी विल वॉन्ट टू डू बार्टर, ये वो. सो आई वॉज लाइक बार्टर आई विल नॉट. आई सेड बार्टर समथिंग. हाँ, एंडमॉल था, एंडमॉल से मुझे हिंट आ गया था. एंडमॉल इज रन बाय बिग बॉस, इज रन बाय एंडमॉल ना पहले. अब पता नहीं क्या है पर 16 तक तो एंडमॉल वॉज रनिंग. तब मुझे हिंट आ गया, मैंने कहा ये है. पर देन आई वॉज लाइक नहीं. फिर मैंने रखा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार, मैंने कहा इट्स बिग बॉस डूड, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज फॉर यू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देयर इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन आदिल खान, अगर आप जानते हो, द वेरी फेमस डांसर, इफ यू मस्ट नो. यस यस. So he kind of sent my profile to Prateek. Okay. Because they were finding instructors. So you both know each other? Yeah, because we started a career together. Okay. Yeah, in Mumbai. So वो है भी दिल्ली से ही पर वो रहते हैं मुंबई में काम के लिए. तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने फिर बताया कि हाँ मैंने फॉरवर्ड किया था ये वो. मैंने कहा बता तो देता. एंड देन आई सेड कि मैं क्या करूँ कि ऐसा ऐसा आया था एंड ही इज फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो आई वॉज लाइक यू टेल मी वॉट इट इज. सो ही टोल्ड मी कि शबीना डोंट डू इट फॉर फ्री.
ही टोल्ड मी क्लियरली कि कीप इट, जो तेरा है वो तू रख, हैव सम वैल्यू ऑफ इट, बिकॉज नहीं तो क्या होगा ना, वॉट विल गो ऑन द एयर यू वोंट नो. वो ये बोल देंगे कि यार एडिट एडिटर ने कर दिया, अब तो चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं. सो ही गाइडेड मी थ्रू आउट बिकॉज ही इज फ्रॉम द इंडस्ट्री. ये वो उसने बोला देयर शुड बी सम वैल्यू, ऑफ कोर्स नॉट दैट कोट व्हाट यू कोट, बट समथिंग व्हिच इज आल्सो फीजिबल फॉर यू. तो ऐसे बात ही, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता, बाटर बाटर ही हम लुक फॉरवर्ड कर रहे थे. फिर कुछ दिन हो गए, आई थॉट गया मेरे हाथ से. मैंने आदिल को बोला, मैंने कहा आदिल अगर ये गया मैंने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं मुंबई आ जाऊंगी, मैं बता रही हूँ. तो इज लाइक डोंट वरी शबीना, वो किस इफ दे आर सो एडमेंट विथ यू, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी पे वंस दे कॉम्प्रोमाइज, 1% भी उनकी टीआरपी गिरी ना, इट वुड बी अ ह्यूज लॉस फॉर देम. सो क्वालिटी इज समथिंग दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, सो डोंट वरी. ये वो मैंने कहा मैं अकेली थोड़ी इतनी बढ़िया इंस्ट्रक्टर हूँ, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं. मैंने कहा ऑफकोर्स, एंड मैंने कहा कि यार पर दैट अपॉर्चुनिटी है, वो तो ना बाबा नॉक नहीं करती आपके डोर पे. सो आई वॉज लाइक नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, ये वो इज लाइक डोंट वरी. तो मुझे पूरा हौसला देता रहा. शूट के 2 दिन जो डेट इन्होंने मुझे बताई थी उस तब तक तो कुछ कॉल नहीं आया. 2 दिन पहले आया, वी आर सेंडिंग यू टिकट शबीना, सेंड अस योर कोट, एवरीथिंग इज डन, यू विल गेट अ ऑफिशियल ईमेल फ्रॉम एंडामॉल, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू एंड यू आर फ्लाइंग टू मुंबई. आई वाज लाइक व्हाट, एंड आई स्क्रीम्ड, आई वाज लाइक शिट, हाउ. सो आई स्क्रीम्ड एंड आई वाज लाइक डैम, यही चाहिए था लाइफ में. एंड देन सबसे पहले हु आई कॉल्ड आदित, नॉट इवन माय हस्बैंड, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु केप्ट यू नो कि नहीं नहीं हो जाएगा. कॉल्ड वर सो हैप्पी, ही वाज आल्सो स्क्रीमिंग एंड एवरीथिंग. आई कॉल्ड माय हस्बैंड, आई टोल्ड हिम इट वाज सो ह्यूज. और फिर उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया था. कितना मिला था क्या क्यों बताएं कितना मिला था बहुत पैसा पैसा. सो क्या था, सो मैंने सब अपने लॉस को बताया था. और मैंने किसी को नहीं बताया था, ओनली माय मॉम न्यू, नो फ्रेंड्स. आई वाज लाइक क्योंकि वी डिडंट, फर्स्टली वी डिडंट हैव टू डिस्क्लोज. सेकंड मेरा ये था कि दे विल, एंड कौन नहीं देखता बिग बॉस, हर किसी के घर में बिग बॉस चल रहा होता है. और 16 वाज तो वेरी फेमस, जिसमें अब्दू और एमसी स्टैन ये लोग थे, इट वाज वेरी फेमस, एवरीबॉडी वाज वाचिंग. सो आई वाज लाइक के सीधा देखने दो. एक दिन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, द फर्स्ट डे रिलीज हुआ, दे गॉट सो गुड टीआरपी दैट इट एक्सटेंडेड फॉर 3 days. सो आई डिड द 3 days उनके लिए कुछ नहीं हुई था, उन्होंने कभी जुम्बा किया ही नहीं है बिग बॉस में. सो इट हैपेंड लाइक दैट, देन वी डिड फॉर 3 days. फिर उसके बाद हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन बिग बॉस? एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत नर्वस थी, बिकॉज दीज पीपल डिडंट गिव मी एनी स्क्रिप्ट. मुझे लगा ये कुछ स्क्रिप्ट देंगे कि आपको जाके ये बोलना है वो बोलना है, इन्होंने मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी, कुछ नहीं दी. एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या करूंगी अंदर जाके, कोई मुझे नहीं पहचानता, मैं तो पहचानती हूँ पर वो नहीं पहचानते. मैंने कहा हाउ कैसे रहेगा. तो जैसे मैं एंटर करी एंड दे ऑल लुक्ड एट मी एंड दे वर स्क्रीमिंग एंड दे वर सो हैप्पी. मैंने कहा ये कैसे, बिकॉज बिग बॉस ने बोल दिया था कि आज आपके लिए जुम्बा होना है, तो आप चेंज करके आए, बस इतना बोल दिया था. उनके लिए इट वॉज न्यू. मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे देख के पागल हो गए थे, बट द फैक्ट दैट उनको डांस करने मिलेगा, म्यूजिक सुनने मिलेगा, वॉज वेरी डिफरेंट फॉर देम, बिकॉज वो फोन वोन से सब दूर है, बाहर की दुनिया कुछ पता नहीं है. डेली उनका बिग बॉस एंथम होता है, हम हैं बिग बॉस के वासी, ये चल रहा है उनका, वो पक गए वो बिग बॉस के वासी कर करके. सो द फैक्ट दे विल गेट टू डांस फॉर दैट 30 minutes, कि वो इतने पागल हो गए थे मुझे देख के. माय वाज फॉर 40 minutes तक मैं घर के अंदर रहती थी. एंड उन्होंने दिखाया था अराउंड 2-3 minutes का, बिकॉज 1 घंटे में वो पूरा 30 minutes जुम्बा थोड़ी दिखाएंगे, उनको पूरे दिन का दिखाना है. सो वैसा था. सो ये हुआ, जैसे मैं एंटर करी और दे वर सो हैप्पी, दे वर स्क्रीमिंग. फिर मैंने क्लास कराई, क्लास में तो मतलब अलग ही एनर्जी थी सबकी, मैं कंफर्टेबल हो गई, बिकॉज जो वाइब हाँ सभी करते, सिर्फ साजिद और एमसी स्टैन ने नहीं किया था, बिकॉज एमसी स्टैन हैड अ बैक इशू, उनके स्पाइन में कुछ इशू था. सो यस, सम मेडिकल इशू, दो लोग नहीं. हाँ, एंड साजिद हैज अ नी का रिप्लेसमेंट, आपने देखा भी, उन्होंने बोला भी बिग बॉस ने कई बार. सो हम मना कर देते हैं, हम सेशन से पहले आई टोल्ड देम इफ एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ इंजरी सर्जरी डोंट डू इट. व्हाई? फर्स्ट
प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, आप ग्रास में कर रहे हो, इट्स नॉट अ प्रॉपर फ्लोरिंग, ग्रास ऊपर नीचे, कल को कुछ हो गया तो इट्स नॉट राइट टू डू. तो हमने पहले ही बोल दिया था, दे वर लाइक के वी हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, यू कैन सिट एंड एंजॉय. सो दे वर जस्ट सिटिंग लाफिंग एट एवरीबॉडी एंड एंजॉयिंग. तो ये था, तो बाकी सब कर रहे थे. एंड मतलब मुझे, मैं स्टार्टिंग में ऑफकोर्स नर्वस थी, आई वेंट देयर, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एंड एवरीथिंग, स्टार्ट किया, इतना मस्ती कर रहे थे. और सेशन जैसी मैं बोलती थी ओके गाइज लास्ट सॉन्ग, कूल डाउन कराने के बाद बिग बॉस एक और सॉन्ग लगा दो, शबीना डोंट गो, शबीना जैसे मैं जाती थी ना बाहर करके, शबीना वी लव यू पीछे से ऐसे करके, से तीन दिन तक चलता लास्ट डे. तो डायरेक्ट इंट्रैक्शन हुआ? यस यस ऑफ कोर्स, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक जैसी मैं, अब्दू इतना क्यूट है ना, मतलब बहुत क्यूट है वो, मतलब इतना मुझे पसंद, मुझे बहुत क्यूट है, बताते छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं ना. फर्स्ट डे मैं अपनी टावल लेके आई थी अंदर, तो मैंने ना, मैं जाते वक्त ले जाना भूल गई थी उसे, ठीक है. सेकेंड डे ऑफ माय, अभी भी मेरे पास वो टावल रखी, मैंने अलग से रख रखी है, जस्ट अ मेमोरी. सेकेंड डे व्हेन आई वेंट, दिस गाय द मोमेंट आई एंटर द हाउस, ही वेंट इनसाइड कि मैम वन मिनट, ही वेंट रनिंग, ही केम बैक अगेन, वो टावल ना संभाल के उसने अपने लगेज में रखी थी कि ये मैम की टावल है. एंड एवरीबडी वॉज लाइक ये किसकी टावल है, यहाँ उनका उनकी लड़ाई हो गई थी उस चीज पे कि सामान यहाँ वहाँ रख देते हो अपना ये वो, बट इज लाइक मैम की टावल. ही केप्ट देम, नेक्स्ट डे ही गेव मी कि मैम यू फॉरगॉट योर टावल. सो आई वाज लाइक ही सो सच अ स्वीट, इज अ वेरी स्वीट हार्ट, बहुत प्यारा है. सो लाइक अच्छा था मोमेंट, आई रियली एंजॉयड बिग बॉस. मुझे ऐसा लग रहा था थर्ड डे भी मैं थोड़ा इमोशनल, क्योंकि तीन दिन में इतना अटैच हो गए थे ना हम, तो दे ऑल वर लाइक डोंट गो बिग बॉस प्लीज, पाँच मिनट और दे दो. तो लाइक इट वॉज रियली नाइस. से होता है ना, एक दिमाग में था कि पता नहीं कैसे यू नो दे विल ट्रीट एंड यू नो हाउ कैसा रहेगा, बिकॉज दे डोंट नो, बट इट वॉज सो कम्फर्टेबल. बिग बॉस के बाद सो कुछ ऐसा लगा कि हाँ बात हो सकती है उन लोगों से जो थे अंदर? यस मेरी हुई, दो तीन बार बात हुई है कि वीडियो बनाते हैं. अब दूसरे नहीं हो पाई है, मेरी अर्चना से हुई थी बात बीच में कि वीडियो बनाते हैं, ये है वो है. और राइट आफ्टर बिग बॉस अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज केम डायरेक्टली, क्योंकि उनको जानना था घर के अंदर का हाल क्या है, आपका सेशन कैसा रहा, ये वो. तो फीफा फोर्स, पिंक विला एंड ऑल ऑफ दैट, अ लॉट ऑफ बहुत सारे थे नाम, बॉलीवुड स्पाई करके देर इज समथिंग, इंस्टेंट बॉलीवुड करके एक है. सो ऑल ऑफ दिस केम ओवर, भाईजान से मिलने का मौका नहीं मिल पाया यार, ये तो क्या बिग बॉस क्या, ये नहीं बिग बॉस हो गया, बहुत अच्छा किया, अच्छी चीज हुई, बट हाँ वो चीज नहीं हो पाई. उसका तो रहा, पर उसका तो मलाल रहेगा हमेशा, हमेशा नहीं रहेगा, मिलूंगी जल्दी, मिलेंगे बहुत जल्दी. सो लेट्स डू अ क्विक फायर राउंड, जस्ट आंसर विद द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड. ओके, फेवरेट ज़ुम्बा सॉन्ग? दूरा 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 वाला सॉन्ग है ना वो फेवरेट. थोड़ा मूव्स भी करके दिखा दो. ऐसे कैसे बैठे 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 यू यू स्टेप होता ना, दूरा दूरा वाला सॉन्ग. ओके ठीक है, अब देख लेंगे बाद में. हाँ हाँ देख लेना. फेवरेट बॉलीवुड डांस मूव? डांस मूव धीना धिंदा, सब लोग कर सकते ना धीना धिंदा. हाँ जी. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट? डीएम में नहीं जो डायरेक्ट मिलता हो. तो मुझे लास्ट वो ये बोली गया था कि मैम यू हैव गिवन मी सेकंड लाइफ, बहुत बड़ी चीज है बोलने के लिए. right. तो पर उसके लिए उसने फील करी, इसलिए उसने बोला कि मैम यू हैव गिवन मी अ सेकंड लाइफ. दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड मेक देम मोटिवेट. वन क्वेश्चन फॉर व्यूअर्स, व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ फिटनेस एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वन फिटनेस ट्रेंड यू थिंक इज ओवररेटेड? Oh, diet. Okay. Why I think it's overrated? क्योंकि हर कोई बता रहा है ये खाना है, वो खाना है, ऐसा खाना है, वैसा खाना है. क्यों? पहले जब लोग खाते थे वो फिट नहीं रहते थे, लंबी लंबी भी कितनी 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 एज में लोग गए हैं, पहले पुराने लोग. Right, right. वो भी असाइड कर दो, बट आई फील कि अगर आप घर का खाना भी खाओ ना इन अ प्रॉपर पोर्शन, अवॉइडिंग फ्राइड फूड एंड डूइंग वर्कआउट साथ में, आप डेफिनेटली वेट लॉस और एक अपनी जर्नी आप शुरू कर सकते हो, डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा. बट इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करो, ओवर ईटिंग मत करो. फ्राइड फूड भी छोड़ दोगे ना, अगर आप सिर्फ घर का खाना पे स्टिक करोगे एंड अपना वर्कआउट कर रहे हो ना, तो भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो. आधे लोग तो मैं सिर्फ डाइट की वजह से जिम छोड़ देते जिम छोड़ क्योंकि वो कर ही नहीं. मैं वही कह रही हूँ, घर का खाना खाओ आप, बस सिर्फ फ्राइड फूड छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, घर का खाना खाओ
और वर्कआउट करो, देखो क्यों नहीं फर्क आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये जो ये भी खा लो, बिकॉज ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर अगर आपका फिटनेस गोल है कि आपको ऐसे वे सर्टन वे में बॉडी बनानी है, आपको ऐसे देखना, ऑफकोर्स आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, उस हिसाब से डाइट करनी पड़ेगी। ड्यूरेशंस भी होते हैं कि अगर आपको 3 महीना करना तो आपको तो हाँ फेस्टिक डाइट पे जाना पड़ेगा, पर आपको लगता है कि आपकी फिटनेस जर्नी आपको ऐसे ही मतलब नॉर्मल भी शुरू करनी है तो अपने नॉर्मल घर के खाने से भी शुरू कर सकते हो। तो मुझे लगता है कभी कभी डाइट इतना पुशी कर दिया कि लोग ना भाग जाते हैं, लोग जिम से भाग जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, अरे नहीं यार आप आओ वर्कआउट करो, घर का खाना खाओ, खत्म बात। सो मुझे कभी कभी लगता है कि डाइट इतना बोल दिया ना, ऑफकोर्स इट जरूरी है, क्यों नहीं, अगर आपको एक सर्टन वे में आपकी एक ड्यूरेशन है कि आपको इतने टाइम में पतला होना है, आपको आपको एक एथलीट बनना है, आपको कुछ करना, आपके कुछ गोल्स हैं, तो वो चीज अलग है। बट नॉर्मल आप घर का खाना अगर आपको नॉर्मल है, अपने सिर्फ फिटनेस जर्नी शुरू करनी तो भी आप कर सकते हो घर के खाने से। वो डाइट डाइट इतना डरा दिया लोग, लोग भाग जाते हैं बहुत ज्यादा। आई एग्री करते हो ना, मुझे भी लगता है कि कभी कभी डाइट को लेकर बहुत ज्यादा लोग, बहुत बार मैं खुद नहीं जिम कर पाता, वर्कआउट नहीं कर पाता कि यार मेरे पास खाने को तो है नहीं, है नहीं नॉर्मल घर का खाना, नॉर्मल घर का खाना है, सप्लीमेंट्स नहीं है मेरे पास, ये नहीं है तब तक ये नहीं होगा, मैं और ऐसे बहुत लोग, ऐसे बहुत लोग हैं। करेक्ट, आई एग्री। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर एस्पायरिंग जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स। ओके, सो अ बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस व्हाट आई कैन से के मेहनत, मेहनत कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते हो तो ओवरनाइट तो आपको कुछ नहीं मिलना, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। आई एम कमिंग टू जुम्बा, ऑफ कोर्स डू योर B1 ट्रेनिंग्स, डोंट डू इलीगल स्टफ्स। YouTube से सीखा कर लिया, आप यूनिक कैसे हुए, हाउ यूनिक आर यू एज ए इंस्ट्रक्टर, सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस, डू योर B1 ट्रेनिंग, अपनी लाइसेंस करो, लाइसेंस लो, अपने ऊपर मेहनत करो, गो रीच आउट, अपने स्पेस से थोड़ा बाहर आओ, लोगों को आदत होती है एक अपने स्पेस में रहने की, फिर बोलते हो वर्कआउट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, यू विल हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कम्फर्ट जोन। सो कम आउट फ्रॉम योर कम्फर्ट जोन, प्रैक्टिस, रीच आउट टू पीपल, शर्म नहीं रखनी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, शर्म नहीं रखनी, कोई चीज आपको नहीं आ रही है, गो रीच आउट पीपल, जो पुराने इंस्ट्रक्टर्स है रीच आउट करो, सीखो चीजें करो। आई विल से कि प्रैक्टिस एंड मेहनत ही करनी पड़ती है ज्यादा इसमें, टू मेक योर सेल्फ अ यूनिक इंस्ट्रक्टर एंड अ सक्सेसफुल इंस्ट्रक्टर, बिकॉज सब लोग जुम्बा करा रहे हैं, आप यूनिक कैसे हो, आपकी क्लास में अलग क्या है, हम आपकी क्लास क्यों आए। सो आई विल से दिस इज समथिंग दैट आपको कंसिस्टेंसी से करना होगा। एंड ऑल्सो एक ये चीज ना मैं आजकल बहुत नोटिस करती हूँ, दैट पीपल आर वेरी अनग्रेटफुल, ओके, एंड बहुत जल्दी ना थोड़ा भी फेम मिला तो पागल हो जाना, और किसी को कुछ नहीं समझना कि अरे ये कौन है वो कौन है, दैट्स नॉट राइट, बिकॉज डोंट फॉरगेट एवरीबडी इज रिप्लेसेबल, आई एम योर इज ऑल्सो रिप्लेसेबल, आप भी रिप्लेसेबल हो, मैं भी रिप्लेसेबल, आपसे बेटर कोई ना कोई मार्केट में बैठा हुआ है, कोई ना कोई है, सो अपने आप को सब कुछ मत समझो। ऑफकोर्स हैव कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत थिन लाइन है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, एंड बी ग्रेटफुल जो भी आपका मेंटोर है, जो भी जिसने आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट किया है, आपका कुछ टैक्स तो नहीं लग रहा बोलने में, एंड एटलीस्ट एक थैंक यू मैसेज करने में, कौन बोल रहा है सोशल मीडिया पे कर दो, बट एटलीस्ट एक जेस्चर आपके अंदर होने चाहिए, जो फिर बहुत लोग अनग्रेटफुल हो जाते हैं, वो चीज है। आई विल से स्टे ग्रेटफुल, स्टे कॉन्फिडेंट, डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम द ओनली थिंग योर, ऐसा नहीं होता। डू यू हैव एनी टिप्स फॉर बिगिनर्स हु माइट फील इंटिमिडेटेड अबाउट स्टार्टिंग जुम्बा, लाइक कि यार डांस आएगा या फिर डिस्को डांस आता हो, ये कर सकता है यार। अंडरस्टैंड, बिगनर्स के लिए एक यही टिप है मेरे पास कि कुछ ना सोचे, सीधा जुम्बा क्लास आ जाए। पता है क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट टू डांस, डांस फॉर्मेट नहीं है कि आपको कहीं कंपटीशन में जाना है, कुछ करना है, इट्स अ फिटनेस फॉर्मेट। आपको डांस आता है नहीं आता है, आप आओ, आप ऑफ बीट भी करोगे, एंड ऑफ द डे आप मूव कर रहे हो ना, आप कैलोरी बर्न कर रहे हो ना, बस वही पर्पस है। आओ क्लास ज्वाइन करो, आप देखना 3-4 क्लास में आप पीछे वाली लाइन से पहली लाइन में खड़े रहोगे, दैट विल गिव यू, डेफिनेटली इट विल गिव यू कॉन्फिडेंट। सो आई विल जस्ट से, थोड़ी जो भी झिझक है, हर चीज के लिए पहली बार होता है, एक बार ट्राई करो, एंड आई एम श्योर, ऐसा लग रहा है मैं ऐड कर रही हूँ, एक बार ट्राई कीजिए।
एक बार ट्राई कीजिए, आपके बाल घने हो जाएंगे. वैसे ही आप एक बार जूमा क्लास आए एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. एंड ऑफकोर्स आप दूसरी क्लास के लिए लुक फॉरवर्ड करोगे. बस सिर्फ झिझक होती है स्टार्टिंग में, आई एग्री जो आप कह रहे हो. स्पेशली मेल्स को ज्यादा होती है कि डांस कैसे कर रहे हैं सबके सामने, यू नो लाइक दैट, क्योंकि जिम में ओपन क्लास होती है. पर वो एक बारी की बात है बस, और कुछ नहीं. ऐसा नहीं है, मेरी एक क्लासेस में से मेल्स ही मेल्स आते हैं. एक बार जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डांसर बना देंगे. हाय हाय, जलने को है तैयार, कैलोरी बर्न करा देंगे. वाह वाह, हीरा मंडी जुम्बा मंडी. So, आज बहुत कुछ जानने को मिला जुम्बा के बारे में, फिटनेस के बारे में, और जो मैम की जर्नी रही है, चाहे मैरिज की हम बात करें या जुम्बा में किस तरह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, फ्रेंडशिप फॉर्म होती हैं, उनकी शादी को लेकर के बात करें, या फिर एक बिग बॉस की जो उनकी स्टोरी रही है. So, अगर आपका कोई क्वेश्चन है लाइक फिटनेस से रिलेटेड, जुम्बा से रिलेटेड, या फिर कोई डाइट से रिलेटेड, जो भी हमने बात की है, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट में वो क्वेश्चन करें. And don't forget to like, share and subscribe.